क्वेश्चन नंबर 7, पहले हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बैलेंस शीट दी हुई है और उसके बाद ये नोट्स हैं 1 2 3 4। इसमें आपको रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ और नोट्स में आपको प्रॉफिट की भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, तो इट मीन्स के पहले तो हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो पहले मैं लिख दिया तो आंसर आएगा क्या, आंसर इसका आएगा 22,200। अब इसकी पहले वर्किंग हमें करना होगी प्रॉफिट की, ठीक है। इसकी पहले वर्किंग करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, प्रॉफिट हम कहाँ से कैलकुलेट करें, क्या वर्किंग हो सकती है? हाँ देखिए, यहाँ पे हमें बैलेंस शीट में इक्विटी में रिटेन अर्निंग का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो यहाँ से हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं ना, क्योंकि प्रॉफिट हम रिटेन अर्निंग में ऐड करते हैं। अब रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 18,000, क्लोजिंग बैलेंस 28,000, तो 10,000 का तो इंक्रीज आ रहा है, तो पहले तो ये 12 डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये लिखते हैं हम रिटेन अर्निंग एट एंड, इसमें से माइनस करेंगे रिटेन अर्निंग एट ए स्टार्ट, तो डिफरेंस आ गया 10,000 का। तो 10,000 का इंक्रीज प्रॉफिट की वजह से ही आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 10,000 ऐड हुए, ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, तो उसके लिए पहले हम निकाल लेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, फिर टैक्स ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर। अच्छा, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, तो पहले हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब प्रॉफिट फॉर द ईयर, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। अच्छा, ये हमने एक रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाया था, इसमें देखिए रिटेन अर्निंग का कॉलम है, इसमें हमने यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो इसी रिटेन अर्निंग की कैलकुलेशन को हम रिवर्स कैलकुलेट करके प्रॉफिट फॉर द ईयर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ ये रिटेन अर्निंग का बैलेंस दिया हुआ है एंडिंग पर 5,250, इसको रिवर्स अगर कैलकुलेट करें तो 900 ऐड होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर ऑर्डिनरी डिविडेंड 1,600 ऐड होगा, और फिर इसका बैलेंस एट स्टार्ट 3,000 लेस करेंगे तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाए। अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर एक और तरीके से कैलकुलेट हो सकता है, क्या रिटेन अर्निंग के बैलेंस एट एंड में से एंडिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस माइनस करें, रिटेन अर्निंग के एंडिंग बैलेंस 5,250 में से रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस 3,000 माइनस करें, तो बैलेंसिंग का बैलेंस डिफरेंस कितना आएगा 2,250, और फिर उसमें ये ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड कर लें तो भी प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, बार एक ही है ना। हाँ, तब हमने क्या किया, यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, अब ये रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस था, क्वेश्चन में आपके पास कितना 2,800 रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग है, इसमें से रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस 18,000 माइनस करते हैं, ये डिफरेंस आ गया 10,000 का। अब इस 10,000 में हम डिविडेंड ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, नहीं प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा, यानी कि आफ्टर टैक्स आ गया, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड देखते हैं इसमें कितना दिया हुआ है डिविडेंड, तो नोट नंबर 2, 62 लाख वॉज पेड, नहीं तो इस टैक्स की बात कर रहा है, नोट 4 है, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर टोटल 40 लाख, डिविडेंड पेड है, तब यहाँ से हम 4,000 यानी कि इसमें 4,000 ऐड कर लेते हैं डिविडेंड के, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। हाँ, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया 14,000, नहीं है ना, सिर्फ एक ही दिया वैसे, तो इसमें एक ही डिविडेंड है, ऑर्डिनरी प्रेफरेंस की बात नहीं हो रही ना इसके अंदर, ठीक है। और ऊपर बैलेंस शीट में भी देखें सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस नहीं है इसके अंदर, तो ऑर्डिनरी डिविडेंड आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। अच्छा, डिविडेंड ऐड कर लिया तो ये आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर, अब हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस 14,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर में
हम इनकम टैक्स एक्सपेंस ऐड कर लेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा ना, क्लियर। तब इनकम टैक्स एक्सपेंस इसमें ऐड करेंगे। क्वेश्चन में देखें आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज में करंट टैक्स पेबल दिया हुआ है, टैक्स पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। के बाद नोट नंबर टू, इसमें लिखा है 62 लाख वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर टू सेटल द इनकम टैक्स लाइबिलिटी। ये तो पेड है, हमें क्या चाहिए? इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में हम एक्सपेंस फॉर द ईयर चार्ज करते हैं ना। अब यहाँ में टैक्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, और पेड का अमाउंट दिया हुआ है, एक्सपेंस फॉर द ईयर गिवन नहीं है। अब वो हमें फाइंड करना होंगे। अब उसके लिए हम बनाएंगे इनकम टैक्स का टी अकाउंट, ठीक है। तो आंसर तो आ जाएगा 8,200। अब इसके लिए हम बनाते हैं इसका टी अकाउंट। ये 8,200 कैसे आए? अच्छा, इनकम टैक्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस है 6,000, क्रेडिट हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस 8,000, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नोट नंबर टू, 62 लाख पे किए तो पेमेंट कहाँ आएगी? डेबिट साइड पर। 6,200 डेबिट पे आ गए, टैक्स पेड, अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक। तो डेबिट साइड का टोटल आ गया 14,200। 14,200 में से ओपनिंग बैलेंस 6,000 लेस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगी 8,200, और ये होगा हमारे करंट ईयर का इनकम टैक्स एक्सपेंस जो हम चार्ज करेंगे इनकम स्टेटमेंट में ना, ठीक। अभी आ गया इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये हम अपने प्रॉफिट फॉर द ईयर में ऐड कर लेंगे टैक्स एक्सपेंस, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या? हाँ, क्यों करें? ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, अब यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ से कैश फ्लो हमारा स्टार्ट होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 22,200, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स। अच्छा, एडजस्टमेंट्स में आ जाएगा, सबसे पहले डेप्रिसिएशन आएगा। अच्छा, क्वेश्चन में नोट नंबर वन में डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर गिवन है, ठीक है। 13 मिलियन है तो 13,000 लिखेंगे, 3 0 हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 13,000 डेप्रिसिएशन हो गया। अच्छा, इसके बाद एमोर्टाइजेशन, तो इनटेंजिबल गिवन नहीं है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस, जब इंटरेस्ट एक्सपेंस, अच्छा बैलेंस शीट है तो इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस तो नहीं होगा ना, ठीक है। तब हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कैलकुलेट होगा। अच्छा, तो हाँ, गिवन है, नोट वन में गिवन है। अच्छा, अब इंटरेस्ट एक्सपेंस, अच्छा चूंकि इसमें इनकम रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ, इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन नहीं है, तब इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट के लिए आप देखें, लोन को देखते हैं पहले, लोन नोट्स बल्कि नॉन करंट लाइबिलिटी में लोन पे आ जाए। ओपनिंग बैलेंस है 8,000, क्लोजिंग बैलेंस 10,000। अच्छा, ये नोट नंबर थ्री है, इसका रेफरेंस इसने दिया, नोट थ्री पढ़ते हैं। नोट नंबर थ्री में क्या है? एडिशनल लोन नोट्स वर इश्यूड ऑन जनवरी 1, 2006। All interest due was paid on 31 December 2005 and 30 June 2006। अच्छा, एडिशनल लोन कितने गए? 2,000 का ना, ओपनिंग बैलेंस 8,000 है, क्लोजिंग 10, तो एडिशनल लोन लिया हमने 2,000 का। अच्छा, इंटरेस्ट रेट कितना है? 8%, ठीक है। और ये एडिशनल लोन कब ले रहे थे? नोट थ्री में बता रहे हैं, एडिशनल लोन आपने लिया है जनवरी 1 को, और ईयर एंड इसका हो रहा है जून 30 को, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, ये इंटरेस्ट यहाँ पे डायरेक्ट मैंने यहाँ दी लिखी हुई है वर्किंग,
पहले मैं आपको जरा इसको एक्सेल पे समझा देता हूँ, स्टेप वाइज ना कैलकुलेशन क्या होगी, उसके बाद फिर ये बिल्कुल मिलेंगे। एक्सपेंस हम कैलकुलेट करेंगे, इसके कैलकुलेशन बताता हूँ। इस पे देख लीजिए, नोट कर ले पहले तो, इसका ईयर एंड कब हो रहा है, जून 30, 2006। अच्छा, लोन अब हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, दो कैलकुलेशंस हो सकती हैं इसकी पॉसिबल। पहले हम चलते हैं डेट वाइज, तो ईयर एंड हो रहा है जून 30 में, तो स्टार्ट हुआ होगा जुलाई 1 को, तो जुलाई 1। अच्छा, लोन का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 8,000 है, ठीक है। और एडिशनल लोन हमें कब दिया है, 1 जनवरी, तो इट मीन्स जुलाई 1 से लेकर दिसंबर 31 तक 8,000 का लोन था, ठीक है। तो 8,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 8%, और ये जुलाई से दिसंबर 6 मंथ हुए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6/12 से, तो ये हमारे पास जुलाई से दिसंबर तक का इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा कितना, 320। अच्छा, अब क्या हुआ कि जनवरी 1 पे एडिशनल लोन नोट्स इशू किए हमने, अब टोटल लोन कितना हो गया, 10,000, और ईयर एंड कब हो रहा है अब, जून 30 ना, तो 1 जनवरी से लेके जून 30 कितने मंथ्स हुए, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट है 8%, 8%, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से, ये लास्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा कितना, 400। इन दोनों को ऐड कर लेते तो टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा 720, ठीक है। 720 आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया। अच्छा, ये तो हमने कैलकुलेशन की डेट वाइज, जुलाई से दिसंबर फिर जनवरी से जून, इसकी एक कैलकुलेशन और भी हो सकती है। अब इसको हम लोन वाइज कैलकुलेट कर सकते हैं, लोन वाइज, ठीक है। देखिए, ओल्ड लोन कितना था हमारा, अच्छा जुलाई 1 है ना, जुलाई 1 पे लोन कितना था, 8,000, और ईयर एंड कब हो रहा है इसका, जून में, तो जुलाई से जून 30 पूरे साल का। अभी हमारा ओल्ड लोन है 8,000 का, इसका 8% साल का कितना बनेगा, 640, 8/64। अच्छा, अब न्यू लोन हमने कब लिया, जनवरी 1 को, और ईयर एंड हो रहा है जून 30, तो न्यू लोन कितने गए, एडिशनल लोन 2,000 का, 2,000 का 8%, और ये जून जनवरी से जून 6 मंथ बन रहे हैं, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना बनेगा, 180, दोनों को ऐड कर लें 720, ठीक है। ये दो तरह से हम इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, एक हमने डेट वाइज कैलकुलेट कर लिया पहले, और उसके बाद लोन वाइज कैलकुलेट कर दिया, ओल्ड लोन हो गया आपका और ये न्यू लोन हो गया, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे मैं इसको आपको, तो ये हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस, और यहाँ पे इसमें देख लें एक्स को पावर पॉइंट में, एक ही बात है ना, पहले ये डेट वाइज कैलकुलेट किया हमने जुलाई से दिसंबर, और फिर जनवरी से जून, और नीचे फिर ये लोन वाइज कैलकुलेशन होंगे 8,000 पे फुल ईयर का, और 2,000 पे 6 मंथ्स, ठीक। अच्छा, ये आ गया इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे, गेन ऑन डिस्पोजल, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल। अच्छा, इसमें देखें डिस्पोजल की कोई इंफॉर्मेशन, डिस्पोजल नहीं दिया हुआ, तो कोई एसेट हमने डिस्पोज नहीं किया, तो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं आएगा। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, वो भी नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस नोट करते हैं, करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस है 9,100, क्लोजिंग बैलेंस 14,000, इंक्रीज आ रहा है 4,000,
900 का लेस हो जाएगा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 4900 माइनस करेंगे, इसके बाद रिसीवेबल में क्या चेंज आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस 12,500, क्लोजिंग बैलेंस 21,400, रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहे हैं कितने से, तो रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं ये भी लेस हो जाएंगे, इंक्रीज इन रिसीवेबल माइनस। अच्छा इसके बाद कैश ड्राइंग नहीं आएगा, आप करंट लाइबिलिटीज में पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस है 9,200, क्लोजिंग बैलेंस 7,100, पेबल्स डिक्रीज हो रहे हैं तो लेस करेंगे, डिक्रीज इन पेबल्स, कैश आउटफ्लो माइनस हो गया। अच्छा करंट टैक्स पेबल नहीं आएगा इसमें, बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं आएगा, अब इसका सम कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 20,020। इसके बाद नहीं इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड आएगा, इसके बाद आएगा इंटरेस्ट पेड और इनकम टैक्स पेड आएगा। अच्छा अभी हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट किया था 720 का ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट किया 720, ये तो था इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर, हमें चाहिए इंटरेस्ट पेड। अच्छा तो देखिए करंट लाइबिलिटी में इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है, तो इट मीन्स जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो हमने पे कर दिए, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने कैलकुलेट किया था 720, यही हमारा इंटरेस्ट पेड हो जाएगा, इंटरेस्ट पेड 720 माइनस करेंगे। अच्छा इसके बाद इनकम टैक्स पेड माइनस होगा राइट। अच्छा अब इसमें देखें इनकम टैक्स पेड, अच्छा ये भी गिवन है, नोट नंबर टू में 62 लाख वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर टू सेटल द इनकम टैक्स लाइबिलिटी, इनकम टैक्स पेड गिवन है, ये 6,200 माइनस करेंगे, ठीक है अब इसका सम कर लेते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है इसमें अब आएगा सेल परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट, बैलेंस शीट पे आ जाए। ओके अब यहाँ नॉन करेंट एसेट्स में आपको नेट बुक वैल्यूज दी हुई है, नेट बुक वैल्यूज दी हुई है ठीक है, नेट बुक वैल्यू का ओपनिंग बैलेंस है 130,000, क्लोजिंग बैलेंस 148,000। अच्छा आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 3 में हमने मशीन का नेट बुक वैल्यू अकाउंट बनाया था, याद है तो वो वाला फॉर्मेट पेज ओपन कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 नेट बुक वैल्यू अकाउंट बनाया था हमने मशीन का, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉस्ट गिवन नहीं है, नेट बुक वैल्यू की ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तब इसमें नॉन करंट एसेट का नेट बुक वैल्यू अकाउंट बनेगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में बनाया था, वो जो फॉर्मेट सामने रखें तो समझने में आसानी होगी, पहले इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। अच्छा इसने डिस्पोजल तो हमें यह बताया हुआ है ना, डिस्पोजल है या नहीं है, अच्छा नोट वन में डेप्रिसिएशन है, अच्छा ठीक है नॉन करेंट एसेट डिस्पोज नहीं हो रहा है, सिर्फ हमें एडिशन फाइंड करना होगा इसमें, ठीक है डिस्पोजल नहीं है तो सिर्फ एडिशन। ओके तब हम बनाएंगे इसमें नॉन करेंट एसेट नेट बुक वैल्यू अकाउंट, ठीक है तो ये हमारे पास आ जाएगा पेमेंट टू एक्वायर नॉन करेंट एसेट, अब इसके लिए अकाउंट बनाते हैं। अच्छा पहले इसका ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं नेट बुक नॉन करेंट एसेट का, नेट बुक वैल्यू का ओपनिंग बैलेंस है 1,30,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,48,000, ओपनिंग बैलेंस आ गया 1,30,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,48,000, ठीक है। अच्छा अब इसमें रिवैल्यूएशन आएगा, डिस्पोजल, करंट ईयर डेप्रिसिएशन और फिर एडिशन आ जाएगा ना, अब करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितना है, हाँ तो नोट वन में से दिया हुआ है, ठीक है तो 13,000 हम लिख लेंगे, ठीक है जी कॉमन साइज करेंगे 13,000। इसके बाद डिस्पोजल तो गिवन नहीं है, रिवैल्यूएशन आएगा। अच्छा इसमें देखें इक्विटी में
रिवैल्यूशन रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस है 2000, क्लोजिंग बैलेंस 14,000, तो 2000 का इंक्रीज आ रहा है, तो हाँ 12,000 का ओपनिंग बैलेंस 2000, क्लोजिंग बैलेंस 14,000, तो 12,000 का इंक्रीज आ रहा है, तो 12,000 से एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अच्छा, डिस्पोजल इसमें नहीं दिया हुआ, अब अकाउंट क्लोज करते हैं। ठीक है, अब ये क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 1,61,000। अब 1,61,000 में से डेबिट साइड 12,000 और 1,13,000 लेस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी हमारे पास, और ठीक है 19,000 ये हो जाएगा एडिशन। अब ये लिख लेते हैं कैश फ्लो में, पेमेंट टू एक्वायर नॉन करंट एसेट 19,000। इसके बाद क्या आता है, प्रोसीड या रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, तो डिस्पोजल इसमें नहीं था तो रिसिप्ट में नहीं ला जाए। अब इसका सम कर लेते हैं, या कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो लास्ट में आएगी ना। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अब इक्विटी पे आ जाए। अच्छा, शेयर प्रीमियम का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 1,09,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,10,000, तो 10,000 का इंक्रीज आ रहा है। कैश इनफ्लो 1,000 का इंक्रीज है, 1,000 ऐड कर लेंगे। इसके बाद शेयर प्रीमियम, ओपनिंग बैलेंस 4,000, क्लोजिंग बैलेंस 5,000, इसमें भी 1,000 का इंक्रीज आ रहा है, ऐड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आता। रिटेन अर्निंग, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आता। अब नॉन करेंट लाइबिलिटीज, तो लोन नोट्स का ओपनिंग बैलेंस 8,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 10,000, 2,000 का इंक्रीज आ रहा है, ऐड हो जाएगा, 2,000 ऐड कर लेते हैं। और इसके बाद डिविडेंड पेड आएगा ना, डिविडेंड पेड माइनस करेंगे, तो नोट नंबर 4 इसमें दिया हुआ डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर टोटल 40 लाख। ठीक है, तो ये डिविडेंड पेड माइनस कर देंगे। अब इसका सम कर लेते हैं, आप भी आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 0 हो गया। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया ना, ये प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस 4,000, क्लोजिंग बैलेंस 5,000, 1,000 का डिफरेंस। ठीक है, अच्छा अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का सम कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब इसके बाद इसमें से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट स्टार्ट माइनस करेंगे। अब करंट एसेट्स पे आ जाएं, करंट एसेट्स में अच्छा कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 4,600 ऐड होगा। ठीक, अच्छा अब इन दोनों का सम करते हैं, -5,900 +4,600, ये नेट आ गया 1,300 माइनस में। ठीक है, अब इसमें देखिए हम कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,300 आ रहा है, और यहाँ भी आंसर -1,300 टैली हो गए। इसके साथ ही ये कैश फ्लो कंप्लीट है।